आज हम लोग फिर से एरिया एंड पेरीमीटर का जितना रिमेनिंग सम्स है सारा सम्स आज कंप्लीट करेंगे। तो आज ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा पेरीमीटर से रिलेटेड जितने भी सम्स हैं। देखो सम्स नंबर 12 इसके पहले का जितने भी सम्स था वो कर दिया गया था, दो वीडियो होगा आपके पास। देखो तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर, तो जो दिया हुआ था हम क्या करेंगे उसको लिखते चले जाएंगे। पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर लिख लिए और क्या लिखा हुआ, एंड इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। लेंथ कितना है तो लेट कर लो, लेट ब्रेथ बी एक्स, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 2 इनटू एक्स इक्वल्स टू कितना 2x। तो आपने क्या बोलता है लेंथ जो है कितना है, लेंथ इज डबल, और डबल किसका, इट्स ब्रेथ। तो हमने ब्रेथ भी नहीं था, हमने क्या किया लेट कर लिया, लेंथ भी नहीं था तो लेंथ कितना होगा, जो ब्रेथ था उसका क्या होगा डबल होना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिल गया आपके पास। अब पेरीमीटर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल के लिए, 2 इंटू क्या फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितने की दी है 42, हमने लिख दिया 42 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ अपने पास कितना जो है लिखते चले जाओ 2x, एंड प्लस ब्रेथ कितने का x, उसको भी लिख दिया हमने इक्वल्स टू 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस x कितना आ जाएगा 3x। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 42 बाय 2 इंटू 3। तो आप 2 से करो कितना आ जाएगा 21, एंड 3 से क्या आ जाएगा 7। सो x इक्वल्स टू क्या निकला है 7। तो अभी सिर्फ x निकला, हमको क्या निकालना था ब्रेथ निकालना था और लेंथ निकालना था। तो ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आपके पास है, ब्रेथ इक्वल्स टू x था इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी की 7, आपने लिख दो 7 यूनिट 7 सेंटीमीटर था तो ये 7 सेंटीमीटर। लेंथ कितने का आपके पास है, लेंथ इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो क्या 7, तो 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ आ गया 14 और ब्रेथ क्या आ गया 7। अच्छा नेक्स्ट हम देखो 13 नंबर, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 20 सेंटीमीटर, जो सबसे छोटा साइड है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 130 सेंटीमीटर, जो जो दिया है लिख दो जरा सा, शॉर्टेस्ट साइड कितने का है 20 सेंटीमीटर लिख दिए। इफ इट्स पेरीमीटर इज कितना 130 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी दे दिया आपको, लिख दो जरा सा 130 सेंटीमीटर। अच्छा इसके बाद का कंडीशन क्या है, एंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स इट्स शॉर्टेस्ट साइड, तो लिख दो लॉन्गेस्ट साइड इक्वल्स टू 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड, बोला ना 3 टाइम्स लिखा यहां पे 3 टाइम्स इट्स शॉर्टेस्ट साइड। देखो यहां पे तो उसी हिसाब से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3 इंटू शॉर्टेस्ट है कितने का 20 का, तो जो जो दिया था हम यूज करते चले जा रहे उसका 20 सेंटीमीटर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब देखो जरा सा हमको निकालना क्या है, थर्ड साइड निकालना है। तो ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को अगर आप ऐड करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास पेरीमीटर निकलेगा। तो दो साइड आपके पास है, एक है 20 दूसरा है 60, थर्ड साइड इक्वल्स टू क्या लिखोगे, थर्ड साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर से क्या करना है इसको माइनस कर देना, तो 130 माइनस 60 प्लस 20, बाकी के जो दो साइड था हमने ऐड करके क्या किया पेरीमीटर से माइनस कर दिया, तो 130 माइनस कितना आ जाएगा 80, ये आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास थर्ड साइड का वैल्यू निकल आया। नेक्स्ट हम देखो जरा सा, सम ऑफ 14 द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर, तो यहां से पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू कितने का है 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर साइड इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर बाय 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 42 बाय 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 से 14 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो ट्रायंगल का जो साइड निकल के आया इस साइड कितने का है 14 सेंटीमीटर का। अच्छा इसके बाद का पोर्शन फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, किसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है स्क्वायर की, लेकिन कंडीशन है क्या कंडीशन है, ईच ऑफ हुज साइड इज डबल, ईच ऑफ हुज साइड क्या लिखेंगे साइड इज डबल द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब स्क्वायर का जो साइड होगा और ट्रायंगल के साइड का क्या होगा डबल होगा, तो लिख दो साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर
साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, डबल ऑफ किसका, ट्राइंगल, 2 into साइड ऑफ ट्राइंगल हमने लिख दिया इक्वल्स टू 2 into साइड ऑफ ट्राइंगल कितने का, 14 का, 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया और हमको फाइंड क्या करनी है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, 4 into साइड, पुट कर दो वैल्यू, 4 into साइड क्या है 28 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई करो 32, 4 2 8 एंड 3 11 तो 112 सेंटीमीटर, सो इट विल बी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 15 नंबर देखो जरा सर, अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 42 मीटर लॉन्ग एंड 38 मीटर क्या हो जाएगा प्लॉट, तो आप लिख दो जरा सा जो जो आपके पास दिया है। फॉर रेक्टेंगुलर प्लेग्राम लेंथ कितने का आपके पास है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितने का है 38 सेंटीमीटर, जो जो दिया था हम लिखते चले जाते 38। अच्छा इसके बाद क्या पूछ रहा आपसे, क्या इफ अ गर्ल रन्स अराउंड द प्लेग्राउंड ट्वाइस, कितने बार वो रन कर रही है, अगर आपके पास ये प्लेग्राउंड अगर आपके पास है तो ये फर्स्ट चक्कर कंप्लीट, फिर से एक और राउंड कंप्लीट, तो 2 राउंड कंप्लीट करना है। देखो एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब समझते हो कि पेरीमीटर का जितना होगा ना उतना डिस्टेंस ये क्या किया, कवर्ड कर लिया। तो डिस्टेंस इन 1 राउंड लिख दो जरा सा, डिस्टेंस इन कितने राउंड, 1 राउंड ये किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू पेरीमीटर, किसके, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 2 into लेंथ कितने का आपके पास है, लिख लो जरा सा 42 और ब्रेथ कितने का है 38, ये क्या निकला सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 into सॉरी ये मीटर आपके पास है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं ये क्या है मीटर है, मीटर ये आप क्या लिखोगे मीटर लिखोगे, 2 into कितना आ जाएगा आपके पास 80 सॉरी सेंटीमीटर नहीं ये क्या है मीटर इक्वल्स टू क्या निकला 160 मीटर। तो देखो ये जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है कितने में, 1 राउंड में, और आपको जो निकालना है कितने राउंड के लिए, 2 राउंड के लिए, लिख दो जरा सा देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड, इन 2 राउंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 into 160 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। ये आप जरा साहब, तो ये आपका निकल आया, तो ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं क्या क्या आपके पास मीटर है, ये सारा का सारा वैल्यू अगर कहीं सेंटीमीटर आपको दिख जाए तो ये मीटर कर लेना, क्योंकि मीटर में दिया हुआ तो ये सारा का सारा हो सकता है कहीं छूट गया सेंटीमीटर लिख दिए हम, लेकिन ये सारा का सारा वैल्यू कैसा होगा, ये मीटर में आपका वैल्यू होगा। नेक्स्ट हम देखो जरा साहब 16 नंबर, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, कैसा है ये स्क्वायर के शेप का है, चलो ये ठीक है, साइड कितने का है 150 मीटर, तो साइड कितने का दिया है 150 मीटर का दिया है। अब आपको बोला क्या क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, आपको निकालना क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज 45 पर मीटर, पर मीटर के हिसाब से आपको क्या करना है, कॉस्टिंग का क्या करना है, मीन्स फेंसिंग का कॉस्ट निकाला, फेंसिंग वाले समझते हो, इसके एक कॉर्नर से पूरा घेरते हुए वायर से या किसी भी चीज से पूरा एकदम लास्ट जहां से स्टार्ट किए थे उसी कॉर्नर तक आने को आप क्या बोलो फेंसिंग, मतलब सिंपल आप समझ लो पेरीमीटर निकालना है, एक राउंड ऑफ फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना है। तो आप जो जो दिए हैं आप लिखना स्टार्ट करो, आपके पास क्या दिया है साइड दिया है, साइड कितने का 150 मीटर लिख दिया हमने, अब क्या करना है फेंसिंग करना है, तो लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 into सेम फॉर्म लगा दोगे लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी ये तो स्क्वायर है आपके पास, तो फॉर्म लगा दो 4 into साइड, ये फॉर्मूला क्या करोगे आप लगा दो, अब क्या आ गया आपके पास 4 into साइड आपके पास कितने का है 150 मीटर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 15, तो 600 क्या आ जाएगा आपके पास मीटर, तो लेंथ ऑफ फेंस आपके पास निकल गया कितने का आ गया 600 मीटर का, 1 मीटर जो फेंस है उसको फेंसिंग करने का कॉस्ट कितने का है 45 है, चलो जरा सा तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग इक्वल्स टू रुपीस 45 into, तो 1 मीटर कितना था 45, तो 600 था हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लो जरा सा 45 से 0 0 लास्ट में बैठा लेंगे 5 6 30 4 6 5 30 6 4 24 and 3 27 00, तो ये रुपीस कितना आ जाएगा 27,000, ये क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट निकल आएगा किसका फेंसिंग का। नेक्स्ट सम देखो जरा सा, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर सेम उसी तरह का कुछ सम्स है,
लैंड मेजर क्या होता है, 0.8 किलोमीटर बाय 0.6 किलोमीटर, मतलब हमको लेंथ और ब्रेथ दे दिया। लेंथ कितने का, 0.8 किलोमीटर, ब्रेथ कितने का, 0.6 किलोमीटर का, ये भी निकल आया। फिर क्या बोला, इच साइड इज टू बी फेंस्ड विद थ्री रोज ऑफ वायर, कितना, इस बार आपको जो फेंसिंग करना है तीन रो लेना है। वन आपके पास रेक्टेंगल है तो ये आपके पास ये रेक्टेंगल रहा, यहां से आपके पास कितने, वन टू और ये थ्री, ये तीन चक्कर क्या करना आपको लगाना है वायर का तीन बार। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो सबसे पहले तो आपको फेंस के लिए टोटल वायर कितना चाहिए निकालना है। फिर क्या निकालना है, इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज ₹50 पर मीटर, आपके पास फेंसिंग का जो कॉस्ट दिया है किसमें दिया है, मीटर में, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ जो है इसको भी आप क्या करो मीटर में कन्वर्ट कर लो, या बाद में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मीटर में रहेगा। तो आप निकालो इसका लेंथ ऑफ फेंस इन वन रॉड, लेंथ ऑफ फेंस इन कितना, वन रॉड, वन रॉड इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पेरीमीटर जितना होता है उतना ही होगा, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू कितना, टू इंटू लेंथ कितने का 0.8 एंड ब्रेथ कितने का 0.6 इक्वल्स टू 2 इंटू 1.4 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2.8 इंटू 1000, हमने क्या किया मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया 2800, ये इतना मीटर क्या आ गया आपके पास, ये वन राउंड फेंसिंग में निकल आया। लेकिन आपके पास कितना राउंड फेंसिंग करनी है, आपके पास देखो जरा सा फेंस आपको करना था कितना, थ्री रोज ऑफ वायर आपको चाहिए, तो लिख दो जरा सा टोटल लेंथ इन थ्री राउंड, टोटल लेंथ इन कितना, थ्री राउंड, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 2800, और ये क्या आ गया मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा सा, तो 3 × 8 जब कितना आ जाएगा आपके पास 24, और ये क्या आ जाएगा 8400 मीटर, तो 8400 मीटर ये क्या हो गया फेंसिंग, टोटल लेंथ निकल आया। अब हमको क्या फाइंड करनी है, अब हमको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जब भी आपको कॉस्ट फाइंड कर दे करने के लिए दे, तो जो टोटल मेरा फेंसिंग का लेंथ निकल के आएगा उस लेंथ को आप क्या करना, सिंपली कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना निकल आएगा, रुपीज कितने से आपके पास है 50 पर मीटर के हिसाब से है, तो रुपीज 50 × 8400 इक्वल्स टू, पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने जीरो आएगा उसको पुट कर देना, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40 × 2 = 42, और 2 and 3 1 2 3, ये आपके पास क्या हो गया, ये रुपीस निकल आया, तो दिस इज योर आंसर, तो कितना आ गया आपके पास 4,20,000, ये आपका फेंसिंग का कॉस्ट निकल आएगा। नेक्स्ट सम देखो जरा सर, सम्स नंबर 18 और ये लास्ट सम्स आपके एक्सरसाइज का, दिस एक्सरसाइज का, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना पेरीमीटर कंप्लीट। फाइंड द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ कितने का, लेंथ 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर, और आपको कॉस्ट भी दे दिया। फिर दूसरा क्या करना, आपको लेंथ तो निकालना है और इसके बाद फिर आपको कॉस्ट भी निकालना, इफ द वुडन स्ट्रिप कॉस्ट 50 पैसे पर सेंटीमीटर, तो चले जरा सा काम स्टार्ट करते हैं। आपके पास लेंथ कितने आपके पास है, लेंथ आपके पास है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितने का 25 सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या चाहिए लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, तो लिख दो जरा सा लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इक्वल्स टू 2 × सेम जितना पेरीमीटर होगा दैट विल बी द लेंथ, तो आप लगा दो जरा सा फॉर्मूला 35 + 25 क्या जाएगा ये सेंटीमीटर, तो 2 × 35 + 25 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप तो आ गया। इसके बाद अब क्या निकालना, कॉस्ट निकालना है और किस रेट पे, रेट क्या है 50 पैसे पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर के हिसाब से लिख दो, तो कॉस्ट ऑफ वुडन स्ट्रिप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रुपीस नहीं रुपीस कर दो जरा सा रुपीस 0.5 × 120, 50 पैसे था ना इसको हमने क्या किया रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो 0.5 × 120 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रुपीस 60 आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, और ये चैप्टर भी आपका ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका।